आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना क्वेश्चन इज वो के स्टेज अकर ड्यूरिंग तो ई स्टेज होती है ड्यूरिंग दी मियोसिस वन एंड मियोसिस वन का जो सबसे पहला फेज है दैट इज प्रोफेज वन तो मियोसिस वन का प्रोफेज वन एंड इस प्रोफेज वन के भी जो फर्दर फेजेस होते हैं जो फर्दर स्टेज होगी दैट इज लेप्टोटीन तो लेप्टोटीन इसकी सबसे पहली स्टेज है एंड ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज बुके स्टेज की फॉर्मेशन होती है अब ये होता क्या है कि ड्यूरिंग दुके स्टेज जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्रोमोजोम की जो टिप होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोजोम है तो इस क्रोमोजोम की जो ये वाला टिप वाला पोर्शन है ये अटैच होता है विद विद टिप इट गेट्स अटैच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं जिसके वजह से एक बुके की हमें लुक आती है अगर ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो जो क्रोमोजोम होते हैं वो इसके साथ वे में जुड़े हुए होते हैं या फिर अटैच होते हैं यही काफी सारे क्रोमोसोम होंगे तो ये एक बुके लाइक -like अपेयरेंस देता है अब इस बुके स्टेज की सिग्निफिकेंस क्या है कि जो बुके स्टेज है वो हमें हेल्प करती है इन दी होमोलोगस क्रोमोजोम पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोजोम पेयरिंग या फिर इसी का जो दूसरा नाम है दैट इज साइडिस तो ये इसमें हमें हेल्प करती है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दैट इज लेप्टोटीन क्लास सिक्स से ट्वेल्थ ऐसी लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ